दोस्तों, मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ। मैं अपना नाम नहीं बता सकता, मगर ये वाक्या मेरे लिए काफ़ी अजीब था। बात यही कोई 17 जनवरी 2009 की है। उस वक्त बेहद ज़्यादा ठंड थी। मुझे उन दिनों दिल्ली जाना था किसी ज़रूरी काम से। मैं दिल्ली के दरियापुर जाने के लिए सुबह तकरीबन 6 बजे अपने घर से निकला। मैं बाइक पर था, थोड़ी थोड़ी ठंड भी लग रही थी। मैंने रास्ते में कुछ लोगों को आग के आसपास बैठे देखा। उन्हें देखकर मेरा भी मन हुआ, तो मैं ठीक बाइक साइड में लगाकर उनके पास जाने का सोचने लगा, और मैंने किया भी कुछ ऐसा ही। मैं सीधा उनके पास जाकर बैठ गया। सर्दी का समय था तो अंधेरा भी हो चुका था। मैंने 10 मिनट तक वहां बैठ के चाय पी और फिर जाने के बारे में सोचने लगा। वहां बैठे 3 लोग मुझे बोलने लगे कि अभी बैठ जा और अभी मत जा, इस समय जाना ठीक नहीं है। मैंने एकदम से उनसे कहा, ऐसा क्यों, बहुत है क्या आगे? उन्होंने कहा, वो तो नहीं मालूम, पर शायद कुछ ऐसा ही समझ लो। दोस्तों, इसके बाद मैंने उनकी एक भी बात नहीं सुनी। मैंने चुपचाप उन्हें राम राम किया और आगे बढ़ गया। चलते चलते रात के 8:30 हो चुके थे। रास्ता एकदम सुनसान था, दोनों तरफ पेड़ और खेत। उस वक्त क्या मस्त शुद्ध हवा भी चल रही थी। चलते चलते मुझे ठीक सामने 2 सफेद कुर्ते में बूढ़े आदमी दिखे, जिनके हाथ में एक लाठी भी थी। मैंने उनसे पूछा कि दादाजी, ठंड बहुत है, आओ मेरी बाइक पर बैठो और मुझे बताओ आपको कहाँ छोड़ो। दोस्तों, मेरा इतना कहते ही दोनों के दोनों बहुत खुश हो गए, बोले, धन्यवाद बेटा। मैंने कहा, अच्छा आपको जाना कहाँ है? उन्होंने कहा कि बस तुम चलो, बताता हूँ आगे। उन्होंने रास्ते में बताया कि उन्हें पुरानी टैंकी के पास जाना है। चलते चलते ठीक टैंकी भी आ गई। मैंने उन दोनों को वहां पर उतार दिया। मेरे उतारते ही उन दोनों ने मुझसे कहा कि बेटा, तू औरों से अलग है, मगर आगे कोई भी दिखे तो किसी को ऐसे आप मत बैठाना। मैंने उनसे पूछा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हो? उन्होंने कहा, रात का समय है, चोर चक्के मिल सकते हैं, तो जरा सावधानी से जाना। मैंने तुरंत कहा, ठीक है, और मैं चलता बना। चलते चलते रास्ते में फिर दोबारा कोई दिखा। इस वक्त कुर्ता हरे रंग का था, एक आदमी खड़ा था। वो एक आदमी ही था, दिखने में हट्टा कट्टा था। उसे देखकर मैंने बाइक की स्पीड बढ़ा दी। मुझे लगा शायद कोई लुटेरा होगा, मगर वो भी मेरी बाइक देखकर पीछे भागने लगा। अचानक वो मुझे पत्थर फेंकने लगा। उसका एक पत्थर सीधा मेरे हाथ पर लगा, जिसकी वजह से मेरा बैलेंस बिगड़ा और मैं नीचे गिर गया। इतने में वो आदमी मेरे पास आया और मुझे पकड़ लिया। मैंने तुरंत चिल्लाना शुरू किया तो उसने कहा कि मुझे आगे जाना है, मेरी बेटी के पास मुझे छोड़ो। दोस्तों, मैं डरा हुआ था। कुछ देर पहले तो ये मुझे पत्थर मार रहा था और अब मुझसे ऐसी बात कह रहा था। मैंने उसे पहले मना कर दिया। मैंने कहा, तुम इंसान नहीं हो, ऐसे कोई किसी को रोकता नहीं है। दोस्तों, मेरा इतना कहते ही अचानक से वो रोने लगा। उसने कहा, मैं मजबूर हूँ, अब तक 6 गाड़ियां जा चुकी हैं, लेकिन मेरी किसी ने मदद नहीं करी। इसके बाद मैं मान गया। मैंने कहा, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। वो ठीक मेरे साथ साथ मेरी बाइक तक आया, पर न जाने क्यों वो जैसे ही मेरी बाइक के पास आया तो अचानक दूर भागने लगा। वो भागते भागते कहने लगा कि आज तो तू बच गया। दोस्तों, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया कि आखिर ये सब हुआ क्या। उसके इतना कहते ही उस वक्त तो मैं सुन्न पड़ गया। मैं तुरंत तेजी से बाइक चलाकर वहां से रफू चक्कर हो गया। आगे चलकर मैं एक गांव में पहुंचा। वहां मुझे चौक पर कुछ बड़े बुड्ढे दिखाई दिए। मैं उनके बगल से जा ही रहा था कि उन्होंने मुझे देखकर कहा कि रात के 9 बजे इस रास्ते से क्यों आए। मैंने बाइक साइड में करी और उन्हें सारी बात बताई। सारे आपस में बातें करने लगे और मुझसे कहने लगे कि तूने जो देखा वो छलावा था। पर उन्होंने मुझसे सवाल किया कि तू बिल्कुल ठीक है, आखिर तू बचा कैसे। मैंने कहा, जब वो मेरी बाइक के पास आया तो बोला कि तू बच गया, ये बोलकर वो सीधा भाग गया। उस वक्त मैं थोड़ा हैरान था, पर लेकिन जब मैंने अपनी बाइक को ध्यान से देखा तो मुझे बाइक की साइड में एक लाल कलावा बंधा हुआ दिखा। शायद उसे देखकर मैं समझ गया, क्योंकि मेरी बाइक पर कोई कलावा नहीं था, वो हो ना हो उन 2 बूढ़े आदमियों ने बांधा था। शायद मैं उसी की वजह से बच पाया, और वैसे भी मुझे नहीं पता वो कौन थे, मगर सच कहूं तो मैं जिंदा हूं तो सिर्फ उनकी वजह से, कहीं ना कहीं मेरी अच्छाई की वजह से
उन्होंने मेरी मदद की होगी। अगर मैं उन दोनों बुजुर्गों को रात को मदद नहीं करता तो पक्का आज मैं जिंदा नहीं होता। बस इतनी ही थी ये कहानी। तो दोस्तों, देखा आपने, इन्होंने अपना नाम तो नहीं बताया मगर इनकी कहानी सबसे कुछ अलग ही थी। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको जरूर पसंद आई होगी। बाकी इसी के साथ मैं ले चलता हूं आपको हमारी आज की दूसरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम राहिल है। यह घटना मेरे साथ तब घटी थी जब मैं तकरीबन 20 साल का था। उन दिनों मेरे कॉलेज की गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी और उन दिनों मेरे ही साथ के मेरे तीन दोस्त 24 घंटे बैठे बैठे बोर हो रहे थे। उन दिनों हम सबने डिसाइड किया कि कहीं घूमने चलते हैं। इस बात पर मैंने भी एग्री किया। मैंने कहा कि हाँ, हमें घूमना तो चाहिए, वैसे भी हम कितने और दिन ऐसे ही घर पे बैठे रहेंगे। हम लोग आपस में डिसाइड करने लगे कि आखिर जाना कहाँ है। दोस्तों, मुझे बचपन से स्पेन में जाने की बहुत इच्छा थी, तो मैंने कहा कि क्यों ना स्पेन में जाया जाए। सबने मिलकर यही कहा कि हाँ ठीक है, वहीं चलते हैं। मैं तुरंत ही अपना वीजा कराने के लिए पासपोर्ट ऑफिस में गया। उन लोगों ने कहा कि 1.5 महीना लगेगा। ये सुनकर मैं चौंक गया। मैंने कहा कि इतना टाइम? इसके बाद उन्होंने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, आपका वीजा हम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बनवा देंगे। मैं थैंक यू कहकर घर की ओर जाने लगा। चलते वक्त मुझे अचानक ऐसे लगा कि जैसे कोई मुझे फॉलो कर रहा है। मैंने तुरंत पीछे पलटकर देखा तो पीछे तो कोई नहीं था। एक बार को तो ये मुझे मेरा वहम लगा क्योंकि मैंने कल बहुत ज्यादा पी ली थी। खैर, 5 मिनट बाद मैं अपने घर पर पहुंच गया। मैंने घर पहुंचते ही अपने दोस्तों को बताया कि 1.5 महीने में हम सब स्पेन में पहुंच जाएंगे। सबके सब खुश थे पर सबके मुंह पर एक ही जवाब था कि इतना लेट क्यों। मैंने कहा तो हुआ क्या, जितना लेट हम जाएंगे उतना ही मजा आएगा। सबने कहा ठीक है, लेकिन एक बात थी, सबका ये भी कहना था कि उन्होंने अपने पेरेंट्स से परमिशन लेनी होगी क्योंकि उसके बिना हम नहीं जा सकते। सबने अपने अपने घर जाकर अपने पेरेंट्स से बात की। मैंने अपने पेरेंट्स से कहा कि मेरे साथ तीन और दोस्त हैं, 1 महीने के लिए स्पेन जा रहे हैं, मैंने वीजा भी अप्लाई कर दिया है और तो और मैंने वहां पर एक होटल भी एडवांस में बुक कर दिया है जिसका नाम एब्रो स्टार ग्रैंड आई मीराडोर है। इसके बाद मेरी माँ ने कहा कि तुम लोग पागल तो नहीं हो गए? मैंने पूछा क्यों? तो माँ ने कहा कि मैंने सुना है कि वहां किसी बहुत डरावनी डायन और तो और वहां के बीच श्रापित है। मैंने माँ से कहा कि बस करो, बहुत हो गया, ये सब कुछ कुछ भी नहीं होता, ये बस तुम्हारा वहम है। खैर दोस्तों, मैंने कैसे भी करके उनको मनाया। उसके बाद 1.5 महीने के बाद हम स्पेन के लिए एयरपोर्ट निकल गए। सब कुछ एकदम ठीक ठाक चल रहा था। लगभग 24 से 30 घंटे के अंदर हम लोग स्पेन में पहुंच गए। स्पेन दिखने में बहुत ही सुंदर था। हम ठीक 2-3 घंटे के लिए स्पेन के डिफरेंट सिटीज का आनंद लेने लगे। उसके बाद शाम के 3 बज रहे थे। इसके बाद कुछ ही घंटों में दोपहर के 3 बज चुके थे। फिर हम अपने होटल की ओर चलने लगे। सच कहूं तो वहां का होटल बहुत शानदार था। वहां पे एक स्विमिंग पूल भी था जो रात को काफी डरावना लगता था। खैर 2 घंटे बाद जब शाम के 5 बजे तब हमने हमारे होटल से 100 मीटर दूर एक जंगल पर ट्रैवलिंग करने का सोचा। घूमते फिरते हम जंगल तक पहुंच गए। वो जंगल देखने में बहुत भयानक और डरावना था पर हम इंजॉय कर रहे थे, बिल्कुल भी डर नहीं लगा। लेकिन यही कोई 5 मिनट के बाद हमारे सामने एक औरत खड़ी थी। जब हमने मोबाइल का टॉर्च जलाकर देखा तो यकीनन हम जाम से पड़ गए। उस औरत का चेहरा एकदम लाल राक्षस और किसी डायन से कम नहीं लग रहा था। हम सबके पसीने छूटने लगे। सबने तुरंत दौड़ना शुरू किया। दौड़ते हुए जब हमने पीछे देखा तो पाया कि उस औरत के साथ 3 लोग और भाग रहे थे। पहले तो मुझे लगा कि वो एक छलावा है, लेकिन वो सच में डरावनी आत्माएं थी। हम लोग ठीक 10 मिनट बाद अपने होटल पहुंच गए। हम सबके सब चुपचाप थे। रात के 10:30 बज रहे थे। हम सबने डिनर किया और चुपचाप सो गए। माहौल एकदम शांत था। ठीक रात के 2 बजे अचानक से हमारे बाहर वाले दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। आवाज रूम सर्विस की थी। मुझे लगा कि कहीं ये वही औरत तो नहीं जो मर्द की आवाज में हमें फंसाना चाहती है। मैंने CCTV पे देखा तो कोई चेहरा नहीं था। इसके बाद अचानक हमारा पूरा रूम खौफ से भर गया।
थोड़ी देर बाद हर बार डरावनी हंसी हमारे कानों पर पड़ रही थी, जो कि लगातार हमें मारने की धमकी दे रही थी। लेकिन जैसे तैसे हमने वो रात कैसे भी काट ली। दोस्तों, हम इतना ज़्यादा डर गए कि ठीक उसके अगले दिन ही बांग्लादेश वापस चले गए। सच कहूँ तो अपने घर वापस आने के बाद हम सभी दोस्तों ने मेरी अम्मी से बहुत माफ़ी मांगी। हमने कहा कि हम सबको माफ़ कर देना, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आगे से कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। अम्मी भी उस वक्त रोते हुए बोले कि शुक्र है अल्लाह का, वरना अगर कोई अनहोनी हो जाती तो फिर क्या होता। तुम सभी आज से एक काम करो, तुम्हें जब भी कुछ अजीब लगे तो आयतल कुर्सी पढ़ना, इसमें बहुत ताकत होती है। हम सब ने कहा ठीक है। दोस्तों, इसके बाद से हम सबकी जिंदगी सही चल रही है। वैसे सही मायने में वो जगह बेहद खूबसूरत है। हालांकि अम्मा की बात सच हुई, मगर हर किसी के साथ ऐसा ही हो ये मुमकिन तो नहीं। धन्यवाद। बस इतनी ही थी ये कहानी। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी राहिल की कहानी। दोस्तों, अक्सर कई लोग घूमने का प्लान बनाते हैं और अच्छे से घूमकर भी आते हैं, मगर कुछ लोग ना जाने ऐसी क्या गलती करते हैं कि जिसकी वजह से उन्हें ये खामियाजा भुगतना पड़ता है। हालांकि जिस होटल का इन्होंने नाम बताया उसके बारे में मैंने इतना कुछ कभी नहीं सुना। अगर इनकी कहानी में ज़रा सी भी सच्चाई है तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं आपको ले चलता हूँ हमारी आज की तीसरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम रितिका है। ये कहानी मुझे मेरी मासी ने सुनाई थी, जो कि ठीक उनके और उनकी बहू के साथ हुआ था। मेरी मासी मंदसौर की रहने वाली है, इनकी चाय नाश्ते की शॉप भी है। एक बार की बात है, दिवाली का वक्त था। एक दिन मेरी मासी ने शॉप की सफाई की और सोचा कि उस दिन वो दोनों शाम को शॉप जल्दी बंद कर देंगे। वो ठीक रात को 9 बजे साफ सफाई का सामान लेकर वापस दुकान पर पहुंचे। उन्होंने जाते ही वहां सफाई स्टार्ट कर दी। उन्हें रात के 12:30 बज गए। अभी भी वो कुछ काम कर ही रहे थे कि अचानक उन्हें एक आवाज़ सुनाई थी, जैसे कोई उनकी तरफ चल के आ रहा हो। जब उन्होंने आसपास देखा तो कुछ भी दिखाई नहीं दिया। खैर, उन्होंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और फिर अपने काम में लग गए। कुछ देर बाद जब उनका भाई शॉप से बाहर आया तो उसने पाया कि उनका कुछ सामान नीचे ज़मीन पर टूटा हुआ पड़ा था। उसके ठीक कुछ दूरी पर वहाँ सिर्फ एक बकरा खड़ा था। उसे पहले तो ये थोड़ा अजीब लगा, पर फिर भी उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उन्हें लगा कि शायद गलती से वह सामान नीचे गिर गया होगा। खैर, वो दोबारा अपने काम में लग गए, पर कहीं ना कहीं उनके भाई को कुछ अजीब लग रहा था। थोड़ी ही देर बाद अचानक हवाओं की रफ्तार इतनी तेज बढ़ गई, लेकिन तब भी वो बकरा करीबन 30 मिनट से वहीं किसी मूर्ति की तरह खड़ा था, जो कि लगातार उन्हें घूरे जा रहा था। मेरे मौसा जी के भाई ने उस बकरे को भगाने की सोची, उसके ऊपर 3-4 पत्थर भी फेंक कर मारे, मगर वो बकरा अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। ये देखकर उन्हें गुस्सा आ गया। वो ठीक एक लकड़ी लेकर उस बकरे की ओर भागने लगे। वो ठीक उसे भगाने वाले ही थे कि अचानक वो अपनी जगह पर ही रुक गए। उस वक्त उनकी आंखें एकदम से बड़ी हो गई। डर के मारे वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहे थे। इसकी वजह ये थी कि उस बकरे का साइज पहले से ज़्यादा बड़ा होने लगा था। धीरे धीरे उसके बड़े बड़े सींग निकल आए थे। उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो गई। देखते ही देखते उसने एक बैल का रूप ले लिया। वो लगातार गुस्से से मेरे मौसा जी के भाई को देख रहा था। इतने में मौसा जी भी शॉप से बाहर आए और उन्होंने जैसे ही ये सब देखा तो वो भी बहुत ज़्यादा डर गए, पर वो अपने भाई की तरफ भागने लगे और उसे खींच कर वापस शॉप में ले जाने लगे। लेकिन ये क्या, उनका भाई अपनी जगह से हल्का सा भी नहीं हिल पा रहा था। दूसरी तरफ वो बैल धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा, पर मौसा जी को कुछ मंत्रों का ध्यान था। वो ठीक कुछ मंत्रों का जाप करके अपने भाई को पूरी ताकत से खींचकर शॉप में ले जा रहे थे। ये सब देखकर बैल ने अपनी स्पीड बढ़ा दी, पर जब तक वो उनके पास पहुंच पाता तब तक वो शॉप में एंटर कर चुके थे। उन्होंने जल्दी से शटर डाउन किया, लेकिन थोड़ी देर बाद बाहर से बहुत जोरों की आवाज़ आने लगी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई शटर तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। पर खैर, कुछ देर के बाद आवाज़ आना बंद हो गई। बस एक ही आवाज़ वहां गूंज रही थी कि तू आज तो बच गया, लेकिन अगली बार नहीं बचेगा। इतना कहकर किसी के कदमों की आवाज़ आई
और थोड़ी देर बाद एकदम सन्नाटा छा गया। दोस्तों, इसके बाद मासा जी और उनके भाई पूरी रात शॉप में ही रहे, भगवान को याद करते रहे। घर ना लौटने पर सुबह जब उनके पिताजी ने आवाज लगाई, तब जाकर कहीं उन्होंने शटर खोला। ये रात का किस्सा उनके लिए इतना डरावना था कि जिसके बाद कई दिनों तक तो भाई बीमार रहे। पर लेकिन जब किसी के साथ ऐसा वाक्या होता है तो कौन ही रात को ऐसे में रुकना चाहेगा। हालांकि नुकसान तो किसी को भी नहीं हुआ, पर इसके बाद वो कभी भी इतनी रात तक शॉप पर नहीं रुके। बस इतनी ही थी ये कहानी। इसी के साथ एक कहानी मुझे मेरी माँ ने सुनाई थी, जो कि मेरे मामा के साथ हुआ था। मेरे मामा रतलाम के रहने वाले हैं। वो एक फैक्ट्री में सुपरवाइजर का काम करते हैं। कुछ साल पहले की बात है, उस वक्त मेरे मामा नाइट शिफ्ट कर रहे थे। एक बार की बात है, मामा को किसी अर्जेंट काम की वजह से जल्दी घर जाना पड़ा। वो ठीक रात के करीबन 2:30 बजे फैक्ट्री से निकले। वो ठीक कुछ दूर पहुंचे ही थे कि उन्हें अचानक ऐसा लगा कि जैसे कोई उनका पीछा कर रहा है। लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। अमूमन सबके साथ ऐसा ही होता है। उन्होंने भी मन का वहम समझा और आगे की ओर चलने लगे। वो ठीक कुछ दूर और ही आगे गए होंगे कि उन्हें फिर से दोबारा ऐसा लगा कि जैसे कोई पीछे खड़ा उन्हें लगातार घूर रहा हो। लेकिन इस बार मामा ने पीछे की तरफ नहीं देखा। पर उन्हें नहीं मालूम था कि उनके पीछे ना देखने पर अब की बार पीछे से आवाज आने वाली है। हुआ भी कुछ ऐसा ही। पीछे से आवाज आई कि बस एक बार पीछे तो देखो। मामा बहुत ज्यादा डर गए। उन्होंने पीछे नहीं देखा, वो फुल स्पीड में आगे की ओर बढ़ने लगे। उन्हें लग रहा था कि कोई उनके पीछे आ रहा है, क्योंकि कभी जोर से घूंघरू की आवाज आती तो कभी किसी की डरावनी हंसी। पर मामा भागते रहे। भागते भागते वो मेन रोड तक पहुंच गए। मेन रोड पर उन्हें एक माता जी का मंदिर दिखा। मामा जल्दी से उस मंदिर की तरफ भागने लगे। वो भागकर उसकी सीढ़ियों पर जाकर बैठ गए, क्योंकि उस वक्त मंदिर का गेट बंद था। मामा ने सीढ़ियों पर बैठकर जब ध्यान से पीछे की तरफ देखा तो पाया कि कुछ ही दूरी पर एक औरत हवा में उड़ रही है। उसकी शक्ल काफी डरावनी है और उसने लाल साड़ी पहन रखी है, और तो और उसकी आंखें पूरी तरह लाल है। वो औरत बड़े ही गुस्से में उनकी तरफ देखते हुए कह रही थी कि आज तो तेरा नसीब अच्छा है कि तू बच गया, लेकिन अगली बार मैं तुझे अपने साथ ले जाऊंगी। इतना कहकर वो इसके बाद गायब हो गई। लेकिन मामा सुबह तक वहीं मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे रहे। वो ठीक सुबह माता के दर्शन करने के बाद ही वापस घर गए, और तो और इसके बाद उन्होंने अपना शिफ्ट भी दिन का करा लिया, साथ ही उस रास्ते से जाना बंद भी कर दिया। तब से लेकर अब तक उनके साथ ऐसा दोबारा कुछ नहीं हुआ। बस यही थी मेरी दो कहानियां। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी रितिका जी की दो कहानियां। अब आपको ये कहानियां कैसी लगी नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि अब मैं ले चलता हूं आपको कहानी के आखिरी के दो छोटे किस्सों की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम मुख्तर है। मैं बिहार के किशनगंज जिले का रहने वाला हूं। ये घटना मेरे दोस्त के साथ हुई थी। उसने मुझे बताया कि वो इंस्टाग्राम नहीं चलाता है, इसीलिए उसने इस कहानी को मुझे भेजने को कहा। मेरा दोस्त बताता है कि ये घटना 2 साल पहले की है, जब वो हॉस्टल में रहता था। हॉस्टल के ठीक बगल में एक सरकारी स्कूल था। उसने वहाँ के लोगों से काफ़ी सारी बातें सुन रखी थी, जैसे स्कूल के अंदर से रात को अजीब आवाज़ आना। एक रात की बात थी, हॉस्टल में सब खाना खाकर सो गए थे, लेकिन उसको नींद नहीं आ रही थी। उसने सोचा कि क्यों ना छत पर जाकर थोड़ी हवा ले लेता हूँ। वो उठा और छत पर चला गया। वो वहाँ एक जगह पर बैठा हुआ था कि अचानक उसे किसी की रोने की आवाज़ सुनाई थी। उसने इधर उधर देखा लेकिन कोई नहीं दिखा। लेकिन जब उसने खड़े होकर स्कूल की छत में देखा तो वहाँ उसे एक औरत सफ़ेद साड़ी में दिखी। शायद वही रो रही थी। मेरा दोस्त उसे देखते ही रहा। उसका चेहरा दूसरी तरफ था। लेकिन दोस्तों, जब उस औरत ने मेरे दोस्त की तरफ देखा और हंसने लगी तो मेरा दोस्त एकदम से डर गया, क्योंकि उस औरत का चेहरा बहुत ही डरावना था। मेरा दोस्त भागकर तुरंत नीचे आ गया और डरते डरते चुपचाप सो गया। अगले दिन उसकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि उसके घर वालों को बुलाना पड़ा।
खैर तबीयत सही होने के बाद उसने वो हॉस्टल छोड़ दिया। बस कहानी तो मेरी इतनी सी ही है, लेकिन मैं आशा करता हूं कि महेश जी इस कहानी को अपने चैनल पर जरूर डालेंगे। धन्यवाद। आइए दोस्तों, एक छोटा किस्सा और सुनाया चलता हूं, जो कि हमें सुखप्रीत जी ने भेजा है। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम सुखप्रीत है, मैं पंजाब पगवारा से हूँ। ये बात तब की है जब मेरी मासी की शादी थी। मैं और मेरी मासी की लड़की, हम दोनों बाजार गए थे शॉपिंग करने के लिए। उस वक्त यही कोई शाम का टाइम था, तो हमें आते आते रात हो गई। तो ठीक जो रास्ता हमारे घर की तरफ जाता है, उस रास्ते पर एक छोटा सा कब्रिस्तान आता है। उस कब्रिस्तान के पास एक पुल बना हुआ है। तो ठीक जब हम रास्ते पर जा रहे थे, तो हमने वहां एक लड़की को देखा। वो लड़की उस समय हमें ठीक से दिखाई नहीं थी, पर जब हमारे पीछे से एक गाड़ी आई और उसकी लाइट जब लड़की पर पड़ी, तो आप यकीन कीजिए गाड़ी लड़की के आर पार हो गई। ये सब देखकर हम कुछ सोच पाते कि इससे पहले ही हमारी स्कूटी बंद हो गई। ऐसा लगा मानो कि जैसे सिर्फ वो हमें ही देख रही हो। यकीन कीजिएगा, वो सिर्फ हमारी ही तरफ आ रही थी। मैंने लाख कोशिशें की पर स्कूटी चल नहीं रही थी। हमने वाहे गुरु जी का नाम लिया, जैसे तैसे करके स्कूटी चली। हमने ठीक आगे जाकर जब पीछे की तरफ देखा, तो यकीनन वो बहुत अजीब थी। कहते हैं कि उस लड़की का एक्सीडेंट हुआ था ठीक उसी रास्ते पर, वो भी उसके बॉयफ्रेंड के साथ। लेकिन उसका बॉयफ्रेंड तो बच गया, पर वो लड़की जिंदा नहीं बच पाई। कहीं ना कहीं तब से लेकर अब तक उसकी आत्मा वहीं घूमती है। बस आखिरी में आपको इतना ही बताना चाहूंगी कि उस दिन के बाद से मेरी मासी की लड़की अभी तक ठीक नहीं हो पाई। बस इतनी ही थी ये कहानी। तो दोस्तों, ये थी सुखप्रीत की कहानी। इन्होंने जितना बताया वो सारी चीजें मैंने आपके सामने रखी। बस दुख है तो इस बात का जो लाइन उन्होंने आखिर में कही। मैं उम्मीद करूंगा कि उनकी तबीयत जल्दी से ठीक हो जाए। बाकी दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानियां कैसी लगी नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आप तो जानते ही हैं कि मैं आपका कमेंट्स में हमेशा इंतजार करता हूं। फिलहाल के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। चलता हूं, बाय बाय।